हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये दोस्तों, ये वीडियो करने को मैंने प्लेज स्टूडेंट के लिए है जो करने को पाकिस्तान एम्बेसी या करने को पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा नेपाल में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है उसके रिलेटेड है। तो अगर आप नेपाल जो स्टूडेंट है और स्कॉलर यहाँ का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ तो वह पास हुआ था, तो आप ये पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप टोटल जो MBBS का जो स्कॉलरशिप सीट है 10 है पाकिस्तान में, जिसमें से आपका नॉर्मल ओपन कैटेगरी में से 5 और जो रिजर्वेशन में से उसमें से 5, BDS में एक ही है और मतलब कि पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप सीट, जिसमें से सिर्फ ओपन कैटेगरी में से डी फार्मेसी के लिए 8 है, जिसके में से 4 है मतलब कि ओपन में से और 4 है जो कनेक्ट मतलब रिजर्वेशन में से। और इस तरह से यहाँ पर सब कुछ लिखा है, एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन प्रोफेशनल किस तरह से हो सकता है। और यहाँ पर आप पढ़कर समझकर बुझकर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप एक बार और पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर जो भी सीनियर सब हैं या हम लोग को भी कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए अगर कोई भी डाउट हो तो। ये जो PDF है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।